एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करना चाहेंगे। आज हम आप सभी लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे और उस वेबसाइट पर अगर आप PDPO या सिविल जज की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं और MCQs आप सॉल्व करना चाहते हैं तो, या आप LLB कर रहे हैं और LLB में कोई PDCA क्वेश्चन वगैरह चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए, तो उस वेबसाइट से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलो थोड़ा सा चलते हैं सीधे ध्यान दीजिएगा पर। सबसे पहले आप यहाँ गूगल में आएंगे और यहाँ पर लिखिए llblineline.com। ये देखिए जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया है गूगल में सर्चिंग पर, तो ये नीचे देखो सर्च रिजल्ट में भी आ रहा है लॉ क्लासेस इन ग्वालियर डॉक्टर राज सर, और ये देखो llblhelpline.com। अब इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नजर डालेंगे इस पर। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस ओपन हो जाता है, साइट ओपन हो जाएगी। अगर आप इसे मोबाइल से करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स, जैसे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे पेज पर 3 डॉट लाइन्स इस टाइप से बनेंगे। तो इसमें क्या है, ये लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सब मेन्यू ओपन हो जाएंगे। इन मेन्यू में से आपको जो ठीक लगता है वो आप चूज कर सकते हैं, जैसे क्लासेस वीडियो चाहिए या PDCA क्वेश्चन पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, एलएलबी वगैरह का। जीवन यूनिवर्सिटी से कहीं से लेकर कनेक्टेड है तो इसमें सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा जनरली LLB स्टूडेंट्स के लिए भी। लेकिन हम यहाँ पर बात करें MP ADPO के पर्टिकुलर, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं। अगर आप MCQs सॉल्व करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन से सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इसका। तो अभी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा नजर डालेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज जो है इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपके लिए एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ पे 2 एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, कौन कौन से एग्जाम्स हैं एक बार थोड़ा सा देंगे हम लोग। एक तो ये MP सिविल जज एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप देख पा रहे हैं। चलिए गए तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए अगर आप ADPO के लिए कर रहे हैं तो यहाँ ADPO पे जैसे ये टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे या CJ के लिए आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नया पेज ओपन हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल हम ADPO के लिए अगर चलें तो यहाँ पर जैसे ही आप ये क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर ये देखिए और ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप ये जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे ये देखो बहुत सारी वेबसाइट की ये सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई यहाँ पे। देखो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का है, यहाँ एक नजर आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन बनाया, डायरेक्ट के लिए बनाया, क्लासेस वीडियो के लिए बनाया। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप हिंदी में है तो हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, जैसे कि इंग्लिश में अभी डिफरेंट अपडेट नहीं है, थोड़े समय में ये धीरे धीरे करके अपडेट कर रहे हैं। तो जल्दी ये वेबसाइट अपडेट होगी, इन लोगों से मेरी बात भी हुई थी, ये जल्दी जल्दी से करके कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलो जरा एक बार ध्यान देंगे हम लोग। IPC का भी देख लिया और इसके बाद में अगर जैसे मान लीजिए और माइनर एक्ट की अगर आपको कोई चाहिए, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं, ये NDPS एक्ट को देखना चाहिए। तो इसमें देखो आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डायरेक्ट है और क्लासेस वीडियो भी है, तो सभी के धीरे धीरे करके अपडेट हो रहे हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए जो भी है, थोड़े दिन में ही आपको पूरे अपडेट हो जाएंगे सभी। अगर हम देखें यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए चलते हैं और यहाँ पर देखिए हिंदी में इसके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, इस पर जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, नया फोटो भी स्टार्ट हो जाएगा। ये ये जैसे ये इंटरफेस स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे इसको। ये अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बार नजर डालें इसको ऊपर करके देखते हैं, देखिए गाइस ये जो पेज ओपन हो गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, यहाँ देखो चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड दिए, सेक्शन 1 से हिंदी में, हिंदी जनरली अभी हिंदी में ही अपडेट हो गए। तो आप यहाँ पे एक बार देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट पर क्लिक कर लीजिए, चैप्टर सेकंड को करना है तो चैप्टर वाइज यहाँ पे बने हुए आप ऐसे कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें हम फर्स्ट चैप्टर को ही ले लेते हैं या मान लो थर्ड चैप्टर को ले लेते हैं, थर्ड चैप्टर पर चले, थर्ड चैप्टर पर हमने हिंदी पे क्लिक कर लिया। आप ये देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा, इसको फिलअप करके आप आगे अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए और तुरंत आप देख भी पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन चाहिए।
मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा रैंडम जैसे दिखा देता हूँ। ये देखिए पेज आ गया, आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं ओपन, या फिर नया पेज भी अपना ले सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, ये जो है ना थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इस वजह से ये लैग कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम इनको देखेंगे ना स्क्रीन में, ये यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए और आगे कंटिन्यू हो सकता है जैसे। और एग्जाम्पल हम यहाँ पे डाल देते हैं आप यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, जैसे डॉक्टर राज डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर जो भी कर रहे हैं मान लीजिए एडुकेशन, एडुकेशन सेट कर लीजिए कहाँ से है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भैया भिंड, ठीक है कहाँ से है एमपी से। आगे नेक्स्ट कर दीजिए, अब बस इसमें ये देखो ओपन हो गए। इनमें से ये तुरंत करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम ऐसे सिंपल जल्दी जल्दी से लगा देते हैं, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा इसका मान लो आपको ये ठीक लगता है, ये ठीक लगता है, इसमें मान लीजिए ये ठीक लगता है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं जिससे टाइम ना लगे। अब ये कंप्लीट हो गया, और ये इस टाइप से ना हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये कर दिया, इसको ये सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद ये सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद हमने सीधा गए यहाँ पे हम सबमिशन पे सबमिट कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसके आंसर दिए हैं चार चार, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसके बाद में आप यहाँ पे एक चीज देखिए थोड़ा सा ये आ गया व्यू स्कोर, आप यहाँ पे व्यू स्कोर अपना देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए कितना आया हुआ। तो रिजल्ट पर हम एक बार क्लिक करते हैं, ये देखो रिजल्ट्स के लिए, तो यहाँ पे ये रिजल्ट देखो 3/11 मतलब 11 में से ओनली 3 ही सही हुए, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। और दूसरा इसमें जो भी आपको ठीक लगा, देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन सही थे, यहाँ देखते हैं सेक्शन 12 में ये सही था, हमने क्या लगाया 13 गलत है ना, देखो इसमें से ये सही हो गया तो ऐसे ग्रीन ग्रीन दिखने लग जाएगा। तो ये फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाया गया, देखिए सेक्शन 12 आप सही था, ये क्वेश्चन था इसका आपको एक मैक्सिमम अवार्ड हुआ है। इस टाइप से ना हर चैप्टर के आप सॉल्व कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं आ रही थी, तो अभी आप इसका फायदा उठाइए। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, आपको ठीक भी लगा होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। आप कौन सी वेबसाइट करेंगे एक बार वेबसाइट का नाम मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ जिससे ना आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर आप www.llblline.com इस पे आप जाएंगे, बस इसको आप सिंपल गूगल में टाइप कीजिए इसे www.llblinehelpline.com, आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ एक फायदा और है, अगर आप चाहें तो नोटिफिकेशन जैसे कोई अपडेट होता है न्यू नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो वेबसाइट के इस पेज पर आप यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड पे, ये देखो एक को फॉलो करके ये दिया हुआ ऑप्शन, इसको आप फॉलो कर लीजिए ईमेल से आगे, तो जैसे ये अपडेट होगा ना कोई भी तो तुरंत आपके पास आएगा, कोई टेस्ट सीरीज अपडेट होती है या कुछ भी होती है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल के इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो रेगुलर आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। सो गाइस उम्मीद कर रहा हूँ ठीक होगा आपके लिए, अगर अच्छा लगे तो आगे से यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।